नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। मैं इंस्पेक्टर दीपेंद्र रोहिला, नगर निगम चंडीगढ़। जैसे कि आपको पता है कि पूरे चंडीगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन बैन का अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हमने गोविंदपुरा में जो प्लास्टिक के यूज़र हैं वो और फूड्स की जो दुकान फास्ट फूड वगैरह जो बेचते हैं उन दुकानों पर छापेमारी की और लोगों के चालान किए। कितने चालान काटे सर आज आपने? आज मैंने 4 चालान काटे जी। सर ये कहाँ कहाँ पे आपने रेड करी, मतलब कि ये हमारे थोड़ा सा बताइए। लगातार रेड जारी हैं, पहले शांतिनगर में की, फिर माड़ी वाले टाउन में की, फिर मेन बाजार मनी बाजरा में की, और आज उसके अंतर्गत हमने गोविंदपुरा में रेड की। कितनी दुकानें हैं कम से कम? गोविंदपुरा में तकरीबन 20 से 30 दुकानें हैं जी, तो जिसमें हमने 15-20 दुकानें आज कवर कर ली हैं, कुछ को हम थोड़ी दिन बाद फिर चेकिंग का अभियान जारी रहेगा। सही चलान किस चीज़ के हुए हैं? गिल्ले सूखे कूड़े को लेके या प्लास्टिक के लेके? ये जिन्होंने गंदगी फैला रखी थी वो भी, और जैसे फास्ट फूड की दुकान थी जो गिल्ला सूखा मिक्स कर रहे थे उनको अवेयर भी किया, उनके चलान भी किए जिनका मिक्स कूड़ा था। तो और सिंगल यूज प्लास्टिक में जो प्लास्टिक यूजर थे, पॉलिथीन बैग यूज कर रहे थे, उनके चलान किए। सर कहीं ना कहीं लगता है आपको कि लोग अवेयर हो चुके हैं आज इस अभियान के तहत? पहले से काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। पहले तो हर दुकान तकरीबन मिलता था ये प्लास्टिक वगैरह, अब काफ़ी अवेयर हैं, पब्लिक भी अवेयर है, तो काफ़ी फ़र्क है जी। अब आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि अपना कपड़े से बना हुआ बैग यूज़ करें, अखबार के जो भी दुकानदार भाई हैं अखबार या गत्ते के बने हुए बैग यूज़ करें, जूट का बैग आता है वो यूज़ करें, पोलोथीन बिल्कुल बैन करें, क्योंकि पोलोथीन और ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करेंगे तभी हमारा भारत सही में पर्यावरण को बचा पाएंगे और शुद्ध पर्यावरण में रह पाएंगे। सर लोगों को एक संदेश और दीजिए कि अगर आपके पास पॉलिथीन पाया जाता है तो आपका कितना चालान काटेगा, उसके बारे में थोड़ा सा कितना है, मतलब कि आपको फाइन करना पड़ेगा? क्योंकि मिनिमम 5,000 का चालान है, और फिर उसके ज़्यादा अगर मिलती है क्वान्टिटी तो ज़्यादा का चालान है, और इसमें सजा का प्रावधान भी है और बिजली कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि बिल्कुल भी प्लास्टिक यूज ना करें और नगर निगम का सहयोग करें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।